Subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. कोरोना वायरस के चलते दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था संकट में घिरी है। अप्रैल से जून की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 24% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। काम धंधे सब मंदे पड़े हैं। ऐसे में फर्ज कीजिए कि आपको रास्ते में रुपयों से भरा बैग मिल जाए तो आप क्या करेंगे। अमूमन ऐसे वक्त में लोगों का मन डोल जाता है, लेकिन बीकानेर के रामेश्वर जोशी ने जो किया वो सुनकर आप भी कह देंगे कि वाह, ईमानदारी आज भी जिंदा है। ये घटना राजस्थान के बीकानेर के भीनासर की है। 31 अगस्त को कंपाउंडर रामेश्वर जोशी अपने क्लिनिक से घर लौट रहे थे। इसी दरमियान उन्हें रास्ते में पड़ा एक बैग मिला। उन्होंने बाइक रोककर वो बैग उठाया और इधर उधर पूछा कि क्या किसी का कोई बैग गिरा है। किसी से कोई जवाब न मिला तो वो बैग को घर ले गए। फिर इत्मीनान से उसे खोल कर देखा तो उसमें कुछ कागजात और रजिस्टर मिले। जैसे ही उन्होंने आखिरी पॉकेट खंगाला तो उसमें रुपयों की गड्डी निकली। रुपए गिने तो करीब 40,000 रुपए थे। अब उलझन ये थी कि इस बैग को उसके मालिक के पास कैसे पहुंचाया जाए। जोशी ने रजिस्टर पर लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो किसी और शख्स ने फोन उठाया और रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया। उनके नाम पता लिखे हुए थे, एक दूसरे खंड के अंदर में हुए काफी पैसे थे। फिर उसको फोन किया मैंने, उसमें उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, तो उसने बोला कि मेरा कुछ भी नहीं गिरा है। अब क्या किया जाए? तब जोशी ने अपने बेटे वीरेंद्र को रजिस्टर पर लिखे पते पर भेजा, जिसके बाद जो हुआ वो आप खुद सुन लीजिए। मैंने उसके अंदर जाकर उसको बोला तुम्हारा बैग गिरा गया। उसने बोला मेरा कोई बैग नहीं गिरा, वो आराम से सोया हुआ था। फिर भी मैंने उससे पूछा, बार बार दो बार पूछा कब तुम्हारा बैग कहाँ है। उसने साइकिल पे देख के बताया कि बैग मेरे ही गिरा है। मैंने उसको कहा मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हारा बैग दे देता हूँ। पूनम चंद दुकानदारी का काम करता है और ये रुपए उसकी दुकान के ही थे। वीरेंद्र के बुलावे पर वो रामेश्वर जोशी के घर पहुंचा और खोई हुई नोट की गड्डियां पाकर अभिभूत हो गया। और इस तरह बैग के मालिक को उसका बैग मिल चुका था। वो बार बार यही बात कह रहा था कि जोशी जी, आपके अलावा ये बैग किसी और को मिल जाता तो शायद मुझे मेरा बैग कभी नहीं मिलता। मैं भगवान का बहुत शुक्र गुजार हूँ। पूनम चंद का मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा था कि ईमानदारी वाकई बहुत सुकून देती है। टीम खबर अपडेट।